आज की अहम खबरें पाकिस्तान में खुदकुश हमले में पाक फौज मुलवस्र अतीस जुलाई 2023 को पाकिस्तान के सूबा खैबर खाहे के जिला बाजोड़ में इतवार के रोज होने वाले खुदकुश बम धमाके में हलाक होने वाले अफराद की तादाद में इजाफा ते पाकिस्तान में गुजत रोज तालिबान के हामी मजहबी रहनुमा की इंतखबी रैली को निशाना बनाने वाले खुदकुश बम धमाके में हलाक होने वालों की नमाज जनाजा अदा की गई जिसके बाद हलाकतों की तादाद कम अज कम चून हो गई और हुकूमत ने इस हमले में मुलवस अफराद का सुराग लगाने का अहद किया है इतवार को होने वाले बम धमाके की फौरी तौर पर किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है जिसमें तकरीबन 200 सौ अफराद जख्मी भी हुए हैं पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकत से पता चलता है कि इस हमले के पीछे दौलत इस्लामिया का इलाकाई हाथ हो सकता है मुतासरीन जमयत उल्मा इस्लाम की जानब से मुनददा एक रैली में शिरकत कर रहे थे जिसकी सरबराही मौलाना फजल अरहमान कर रहे थे उन्होंने अफगानिस्तान की सरहद से मुतसिल सूबा खैबर पख्तूनखा के जिला बाज़ोर में एक बाजार के करीब एक बड़े खैमे के नीचे मुनद होने वाली रैली में शिरकत नहीं की रहमान जो तवील अरसे अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत की हिमायत कर रहे हैं दो हजार ग्यारह और दो हजार चौदह में कम अज कम दो बम हमलों से बच गए थे जब रैलियों में बम धमाकों ने उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया था बम धमाके के मुतासरीन की तदफीन पीर के रोज बाजोड़ में की गई फजल और रहमान ने कहा कि इस दहशतगर्दी के पीछे पाक फौज है मुल्क भर से तजियत का सिलसिला जारी है मामूली जख्मी होने वाले दर्जनों अफराद को अस्पताल से फारिग कर दिया गया जबकि शदीद जख्मियों को फौज के हेलीकॉप्टरों के जरिए सूबाई हुकूमत पेशावर ले जाया गया डॉ गिल नसीब ने बताया कि पीर के रोज हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर छप्पन हो गई जबकि दो शदीद जख्मी अफराद अस्पताल में दम तोड़ गए पीर के रोज पुलिस ने बाजौर के सबसे बड़े कस्बे खार के एक अस्पताल में कुछ जख्मियों के बयान रिकॉर्ड किए सूबाई वजीर तिलात फिरोज जमाल ने कहा कि पुलिस इस हमले की तमाम पहलुओं से तहकीकत कर रही है एक मकामी रिहायशी ने बताया कि सीनियर रहनुमाओं की आमद पर लोग अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे थे जब मैंने बम की गूंज सुनी विटेंसीस ने कहा कि उन्होंने लोगों को मदद के लिए रोते हुए सुना और चंद मिनट बाद एम्बुलेंसें आना शुरू हो गई और जख्मियों को ले जाने लगे धमाके का मकसद पार्टी को कमजोर करना था लेकिन इस तरह के हमले हमारे अज़म को मुतजल्जल नहीं कर सकते बाजोड़ में तवील अरसे से इस्लामी ग्रोहों की मौजूदगी रही है ये जिला पहले अलकायदा का अड्डा था और कालम पाकिस्तानी तालिबान का मजबूत गढ़ था जिसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान आर के नाम से जाना जाता था फौज ने कई कार्रवाइयों के बाद 2016 में जिला को ग्रुप से पाक करार दिया था सूबा खरासान में दौलत इस्लामिया के नाम से जानी जाने वाली दौलत इस्लामिया अफगानिस्तान के हमसाया सूबे नंगरहार में मुकीम है और अफगान तालिबान और अलकायदा की हरीफ है पाकिस्तानी दिफाई तजियाकार महमूद शाह ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि इस हमले के पीछे टीटीपी से अलग होने वाले धड़े भी हो सकते हैं उन्होंने कहा कि टीटीपी के कुछ अरकान हमले करने के लिए अपनी आला क्यादत की नाफरमानी करने के लिए जाने जाते हैं और हमारी पाक फौज इसका इस्तेमाल करती शाह ने कहा कि इस तरह के धड़ों ने इंतबात से कबल उलझन अदम इस्तेकाम और बदमनी पैदा करने के लिए हमला किया होगा रहमान की जमात नवाज शरीफ की मखलूत हुकूमत का हिस्सा है जो अप्रैल 2022 में सबक वजीरम इमरान खान को मुकन्ना में अदम एतमाद के वोट के जरिए इकतदार से हटाकर इकतदार में आई थी नवाज शरीफ ने रहमान को फोन करके तजियत का इजहार किया और आलम दीन को यकीन दिलाया कि हमले की मंसूबा बंदी करने वालों को सजा दी जाएगी इस बम धमाके की मुल्क भर में मजम्मत की गई है और हुक्मर और हिज्ब इख्तिलाफ की जमातों ने मुतासरीन के अहल खाना से तजियत का इजहार किया है ये बम धमाका चीन के नायब वजी अजम ही लीफंग की इस्लामाबाद आमद से चंद घंटे कबल हुआ जहां उन्हें पीर के रोज चीन पाकिस्तान इकतसादी राहदारी की एक दहाई के मौके पर एक तकरीब में शिरकत करना थी जिसके तहत बीजिंग ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमाकारी की है हालिया महीनों में चीन ने पाकिस्तान को खुद मुख्तार अदायगियों में डिफॉल्ट से बचने में मदद की है शुमाल मगरबी पाकिस्तान और दीगर मकामा पर अस्करियत पसंदों ने कुछ चीनी शहरियों को भी निशाना बनाया है इमरान खान ने इतवार को होने वाले बम धमाके की मजम्मत की लेकिन साथ ही खबरदार किया कि आने वाले दिनों में वो इस हमले को मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तानी तालिबान ने भी इस हमले से खुद को दूर रखते हुए कहा था कि इस हमले का मकसद इस्लाम पसंदों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना था अफगान तालिबान के तर्जमान जबी उल्लाह मुजाहिद ने एक ट्वीट में लिखा कि इस तरह के जराइम को किसी भी तरह से जायज करार नहीं दिया जा सकता इतवार को होने वाला बम धमाका 2014 के बाद से शुमाल मगरबी पाकिस्तान में होने वाले चार बदतरीन हमलों में से एक था जब एक सौ सैंतालीस अफराद हलाक हुए थे जिनमें ज्यादातर स्कूल के बच्चे थे जनवरी में पेशावर की एक मस्जिद में होने वाले बम धमाके में चौहत्तर अफराद हलाक हुए थे और फरवरी में पेशावर पुलिस हेडक्वार्टरजे के अंदर एक मस्जिद में होने वाले बम धमाके में एक सौ से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे जिनमें ज्यादातर पुलिस अहलकार थे फजल रहमान ने दावा किया कि वो इस खुदकुश हमले में पाकिस्तानी फौज को मुलव करने के सबूत फराहम कर सकते हैं उन्होंने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तानी फौज उन अस्करियत पसंद ग्रोहों की हिमायत और तरबियत करती है इमरान खान का कहना था कि पीडीएम की हुकूमत और उसकी इतिहादी जमातें मुल्क दुश्मनों के साथ मिलकर हमारी पाक फौज पर दहशतगर्दी की हिमात का गलत इल्जाम लगा रही है उन्होंने इस बात पर मायूसी का इजहार किया कि एस्टेब्लिशमेंट अब भी उन जमातों पर एतमाद करती है और उनकी हिमायत करती है हालांकि उनके इकदाम हमारे मुख और हमारे दिफाई महकमों के लिए शर्मनाक है